मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप मामले में एक नया खुलासा हुआ है। वारदात वाले दिन एक नहीं बल्कि दो लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। दूसरी लड़की ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई है कि शक्ति मिल के कंपाउंड में ही 31 जुलाई की शाम को वो भी गैंगरेप का शिकार हुई थी। मुंबई शक्ति मिल में हुए गैंगरेप मामले के बाद मुंबई में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य महिला आयोग का पद भी अभी तक खाली पड़ा है, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत का सबब भी बन गया है। वहीं दूसरी तरफ शक्ति मिल में हुए गैंगरेप मामले में भी एक नया खुलासा हुआ है। अभी तक एक ही लड़की के साथ गैंगरेप की बात की जा रही थी, लेकिन थाने में एक और लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने 31 जुलाई की ही शाम को शक्ति मिल में उसके साथ भी सामूहिक बलात्कार की बात कही है। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये जो वारदात हुई, ये भी शक्ति मिल कंपाउंड में हुई है। इन्वेस्टिगेशन में अब तक पिछला रेप उसमें के कुछ आरोपी हमारे सामने आए हैं और एक सस्पेक्ट को हिरासत में लिया है और तफ्तीश जारी है। महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जो इस बात को जाहिर करती हैं कि कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हर सप्ताह हमें नया आश्वासन दे रहे हैं और हर रोज महिलाओं पर दिन ब दिन अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं महानगरों में अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। घर से बाहर निकलने में भी अब उनको 10 बार सोचना पड़ता है और शक्ति मिल में दो सामूहिक रेप की घटनाओं के बाद से तो महिलाएं और भी भयभीत हो गई। वहीं पुलिस की जांच में भी अब नया मोड़ आ गया है। अब सरकार दावे भले ही महिलाओं की सुरक्षा के कितने भी करे, लेकिन हकीकत आप सबके सामने है। मुंबई से संजय पिलंकर और अखिलेश तिवारी के साथ दिव्या सिंह, सहारा समय।